एक पुलिस वालों की जिप्सी आती है, वैन आती है, उसके अंदर से दो तीन बच्चे उठा लिए जाते हैं, ताला लगा के अंदर नहीं घुसने देंगे, जो आज पेपर है ना वो ऑनलाइन करवाओ, ये हमारी मांग। मुझे ये बताइए कि अभी अभी सूचना मिल रही है कि यहाँ से कुछ बच्चों की गिरफ्तारी भी हुई है, कितनी सच्चाई है? नमस्कार, सिटी विग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त हिसार के दिल्ली रोड के ऊपर मौजूद हूँ। जैसे ही आप लोग बरवाला चुंगी से दिल्ली रोड की तरफ जाते हैं, वैसे ही एक कॉलेज यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा जिसका नाम है राजकीय बहु तकनीकी कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हिसार। ये लोग तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी मौजूद है और एक PCR यहाँ पर खड़ी है, एक राइडर की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। हालांकि अब बड़ा सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ है यहाँ पर जो पुलिस यहाँ पर पहुँच गई है। तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ समय पहले, जी हाँ, अभी से 10 से 15 मिनट पहले सूचना मिल रही है कि कुछ छात्रों की जो है गिरफ्तारी कर ली गई है। यहाँ पर 100 से 150 के तकरीबन बच्चे स्ट्राइक कर रहे थे और स्ट्राइक करने के दौरान 4 से 5 बच्चों की गिरफ्तारी हुई है। जी हाँ, सिटी थाने के अंदर उनको ले जाया गया है, जिसके बाद से आप लोग देख सकते हैं कि पुलिस के साथ साथ गार्ड यहाँ पर तैनात है और इस रास्ते से जो भी अंदर जा रहे हैं उसकी बड़ी गहनता से जांच की जा रही है और IC चेक किए जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है, कुछ स्टूडेंट्स को जो है यहाँ से भेज दिया गया है, कुछ स्टूडेंट्स को अंदर क्लासेस के अंदर भेज दिया गया है, लेकिन बाहर जो है बाहर किसी को भी नहीं खड़ा होने दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ क्या था कि 4 बच्चों की गिरफ्तारी करने तक की नौबत आ गई। तो आपको बता देती हूँ कि कोरोना काल चल रहा था जिसके अंदर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद रखी गई थी। उसके बाद सरकार ने फैसला लिया था कि ऑनलाइन कक्षाएं लगाई जाएंगी, ऑनलाइन कक्षाएं साल भर सभी की लगाई गई, लेकिन जब एग्ज़ाम्स लेने की बारी आई तो कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम्स जो है बच्चों को ऑफलाइन देने होंगे, जिसकी वजह से कुछ बच्चों का कहना है कि उनको प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। जब हमें कुछ आता ही नहीं है तो हम एग्ज़ाम्स के अंदर लिखेंगे क्या? दरअसल मामला ये है कि बच्चे चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हो, लेकिन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि एग्ज़ाम्स जो है सिर्फ ऑफलाइन हो। हालांकि ये देख लीजिए, आप लोग एक बार दिखा देती हूँ, एक बार इधर आ जाइए, ये देख लीजिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हिसार के सामने जो है इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और ये देख लीजिए पुलिस जो है यहाँ पर खड़ी है, PCR नंबर 2 यहाँ पर खड़ी है, एक राइडर की बाइक वहाँ पर खड़ी है और ये देखिए बड़ी ही गहनता से जो है जाँच की जा रही है अंदर की। और अभी जो है पता नहीं चल पा रहा है कि कि ये स्टूडेंट जो है उनके साथ हुआ क्या है, लेकिन जानकारी जो है पूरी यहाँ पर जो भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी मिलेगा उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठ गए हैं, इनके साथ आखिरकार हुआ क्या था। तो एक सिक्योरिटी के अंदर मैडम यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए सबकी जो है एंट्री कराई जा रही है, पूर्ण रूप से गहनता से जाँच करने के बाद ही अंदर भेजा जा रहा है। मैडम अभी यहाँ पर हुआ क्या था? ऑनलाइन पेपर खातिर बच्चे स्टिक कर रहे हैं मैडम। अच्छा। शुक्रवार को की थी और आज भी की थी। आज? हाँ, और इनके आगे से बात भी करा दी, ऑफलाइन पेपर होने हैं। अच्छा। हाँ, यही बात है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं जो पार्क के अंदर सभी स्टूडेंट्स बैठे हैं, इनकी अभी बात हुई है, यही बच्चे जो है स्ट्राइक कर रहे थे। अभी कुछ और भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि अभी अभी सूचना मिल रही है कि यहाँ से कुछ बच्चों की गिरफ्तारी भी हुई है, कितनी सच्चाई है? गिरफ्तारी 2 आउटसाइडर थे, बस उनको लेके गए बस। ठीक है। और वो जो आगे जाके छोड़ दिए। हाँ हाँ। तो अभी बच्चे यहाँ पर स्ट्राइक किस वजह से कर रहे थे? ऑनलाइन पेपर के लिए कर रहे थे। ऑनलाइन पेपर के लिए कर रहे थे। तो शुक्रवार को भी क्या एक बार चेतावनी दी गई थी? शुक्रवार को भी ऑनलाइन के लिए इकट्ठे होते हैं, लेकिन स्टाफ ने कह दिया था कि ऊपर मेल भेजेंगे और आपका सलूशन करेंगे। तो ये सारे बच्चे जो अभी पार्क के अंदर बैठे हैं, यही बच्चे यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे थे? यही बच्चे थे। तो अभी ये लोग शांत कैसे बैठ गए? ये प्रिंसिपल साहब से बात हुई थी, क्या कहा उन्होंने जी। हाँ हाँ। उसके बाद में ये शांत बैठ गए। ठीक है, अभी जो है प्रिंसिपल से बात हुई है, कुछ और भी यहाँ पर मौजूद है। सर मुझे ये बताइए अभी प्रिंसिपल से इन बच्चों की क्या कुछ बातचीत हुई है? प्रिंसिपल ने यह कहा अपनी लाइफ चाहते हो तो अच्छी तरह पढ़ो, ऑफलाइन एग्जाम देने में ज़्यादा बेनिफिट है न कि ऑनलाइन में। ऑनलाइन में कोई कंपनी वगैरह भी नहीं आपके साथ देंगी, ऑनलाइन एग्जाम करोगे तो उसमें दिक्कतें आएंगी।
आप आराम से बैठिए, आप क्लासें लीजिए, हम एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे आपको, आपके साथ बेनिफिट है, हम आपके साथ खड़े हैं। हम आप जॉब प्रिंसिपल साहब ने बोला है कि हम जॉब दिलाने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं और 100% जॉब देंगे अगर आप 60 से 70% नंबर ला के दोगे तो। हमें सारी कंपनियाँ बुलाएंगे यहाँ और कंपनी आती भी रहती हैं और सारे जॉब भी देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बच्चे क्यों चाह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम हो, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम देने में तो बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो बच्चे जाने जी, अभी हम क्या बता सकते हैं, ये तो बच्चे जाने इस बात। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कहीं चीटिंग की वजह से तो ऑनलाइन एग्जाम्स कराने की मांगे बार बार नहीं उठाई जा रही है? हो सकता है बच्चों में क्या दिल में है वही हम ही थोड़ी बता सकते हैं। अब बच्चे जो चाह रहे हैं वही, उनके दिल में क्या है वही बताएंगे। हम तो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑफलाइन दीजिए, अच्छा क्रेज होता है न कि ऑनलाइन में, ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छा होता है। तो क्या ऑनलाइन एग्जाम्स का प्लेसमेंट के ऊपर भी कोई असर पड़ता है? पड़ता है मैम, ऑफलाइन में ज़्यादा कंपनियाँ ज़्यादा लाइक करती हैं जिन्हें ऑफलाइन एग्जाम दिया, ऑनलाइन में क्या पता लगता है कंपनी को कहाँ से दिया क्या है, प्रॉब्लम से हैं। अच्छा, तो अगर मार्क्स की बात की जाए तो मार्क्स परसेंटेज ज़्यादा किस में बनती है, ऑफलाइन में या ऑनलाइन में? ये तो मैम उनके देखने के ऊपर है, कैसा क्वेश्चन आएंगे, बच्चे कितना करते हैं उसके ऊपर पड़ेगा। तो यानी कि अभी ये बातचीत हुई है कि ऑफलाइन एग्जाम्स हो भी सकते हैं या फिर दोनों जो है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्राइटेरिया रखे जाएंगे? नहीं, अभी दोनों नहीं रखे जाएंगे, ऑफलाइन ही अभी तक आदेश हमें गवर्नमेंट के आदेश अभी तक गवर्नमेंट के आदेश हमें ऑफलाइन के ही, ऑनलाइन का कोई आदेश नहीं है हमारे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद है और आपको बता देती हूँ कि ये देखिए लगातार जो स्टूडेंट्स है यही वो स्टूडेंट्स है जो लगातार स्ट्राइक कर रहे थे। हालांकि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हिसार के अंदर इस वक्त मौजूद हूँ, बैरिकेड्स भी कुछ यहाँ पर रखे हुए हैं ताकि स्टूडेंट्स अगर उग्र होते हैं तो शायद इन बैरिकेड्स को लगाया जाता। हालाँकि आप लोग देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें सीधा मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या कुछ जो है उनके साथ हुआ था और क्या जिन स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी हुई थी उनको छोड़ दिया गया है। गवर्नमेंट पॉलिटेक कॉलेज के कुछ छात्रों की गिरफ्तारी की भी सूचना मिल रही है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं जो गिरफ्तारी की सूचना मिल रही है उसके अंदर कितनी सच्चाई है। गिरफ्तारी तो जी पिछले साल पास आउट थे स्टूडेंट्स, वो आए थे प्रोटेस्ट के लिए, ठीक है, उनमें से 3 बच्चों को लेके गए थे अरेस्ट करके, ठीक है। और हमारा मेन टॉपिक तो यही था ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड, दो चीज़ों के भी था, क्योंकि इन्होंने अभी कोरोना काल में क्लासेस हुई नहीं, ऑनलाइन थी सब कुछ, उसमें भी क्लासेस नहीं ली, अब एकदम से एग्ज़ाम्स कर दिए इन्होंने, तो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए या तो हमें टाइम दो या फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड दो, हमारी तो इतनी मांग है, इसके लिए प्रोटेस्ट था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी कितने स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी हुई थी और क्या उनको चोटें भी आई हैं? मैम इस चीज़ का तो पता नहीं, पर लेके गए थे क्योंकि वो आउटसाइडर्स थे। अच्छा। ठीक है, थे पिछले ईयर पास आउट थे आउटसाइडर्स, उनको लेके गए थे, अब अभी तो उनको पता नहीं कुछ। ठीक है, लगभग कितने स्टूडेंट्स को लेकर के गए थे? दो या तीन को थे। तो अब क्या उनको छोड़ दिया गया है? मैम इस चीज़ का रिगार्डिंग पता नहीं, मे भी छोड़ ही दिया होगा, SP सिक्योरिटी से एक सर वो बोले ले जाके छोड़ देंगे पूछ के। और कौन से थाने के अंदर लेकर के गए थे? सिटी थाना। तो SHO कप्तान भी मौके पर मौजूद थे? कप्तान सर तो पता नहीं मुझे। हाँ। मैम एक स्टार थे वो, SHO तो मैं भी नहीं होंगे। ठीक है, आप बताइए मुझे कि क्या कुछ मांगों को लेकर के आप लोग स्ट्राइक कर रहे थे? हमारी तो सिर्फ मैम एक ही मांगे थी, ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों ऑप्शन दिए जाए मैम। हम अभी कॉलेज की तरफ से क्या कहा जा रहा है, सिर्फ ऑफलाइन एग्जाम लिए जाएंगे? कॉलेज प्रशासन बोल रहा है कि ऑफलाइन ही ले जाएंगे। हम बोल रहे हैं कि जब क्लासें ऑनलाइन लगी थी तो पेपर भी ऑनलाइन लो आप। तो आप लोगों को ऑफलाइन में दिक्कत क्या है? मैम ऑफलाइन में प्रिपरेशन तो नहीं हुई ना इतनी जल्दी, ठीक है, इट्स टू अर्ली हो गया ना ये तो। हाँ। तो मैम थोड़ा या तो टाइम दें हमें, उसके भी आप पे हम एग्जाम्स दे देंगे, या तो मैम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड रखोगे, जिनको ऑफलाइन देने ऑफलाइन देंगे, ऑनलाइन देने ऑनलाइन देंगे। ऑनलाइन में आप लोगों को अगर सिलेबस नहीं करवाया तो ऑफलाइन में भी आपको वही बताना है, ऑनलाइन में भी वही बताना है, तो ऑनलाइन ही क्यों करवाना चाह रहे हैं आप लोग? प्रिपरेशन का टाइम तो मिल जाता है घर पे बैठे बैठे, ऑनलाइन ऑफलाइन का मैम यूँ है, डेली कॉलेज में क्लासेस भी लग रही है मैम, इसका कुछ आउटकम तो नहीं निकल रहा हमें, या हम मेन तो मैम यही है कि हमें या तो थोड़ा टाइम दो ना मैम। ऑनलाइन के रिगार्डिंग ये होता है मैम, थोड़ा 2-3 मैम बच्चों का ये कुछ वहम लगा लो या फिर घर पे कंफर्टेबल होकर देते हैं, वहाँ पे मैम नहीं दे पाते, ये मैम यही है इसके रिगार्डिंग। तो ठीक है, तो आप बताइए कि अभी कौन से ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम चल रहे थे? फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के चल रहे हैं फिलहाल, तो अभी फिलहाल चल रहे थे जब आप लोग स्ट्राइक कर रहे थे। हाँ जी, अंदर पेपर होने लग रहे हैं और बाहर हम 100-150 बच्चे खड़े थे, तो उनमें से 2-3 को उठाया था, बाकी आधे बच्चे अंदर डाल दिए, उन्हें कॉलेज के अंदर भेज दिए थे। अच्छा, हुआ क्या था मौकाए वारदात के ऊपर, पूरी घटना हुई क्या थी उसके अंदर? मतलब हम गेट पे खड़े थे ट्रैक करने के लिए। हाँ।
एक पुलिस वालों की जिप्सी आती है, वैन आती है, उसके अंदर से दो तीन बच्चे उठा लिए जाते हैं और बाकी अंदर भेज दिए जाते हैं। बोले तुम पार्क के अंदर बैठ जाओ, अरे नहीं यहाँ पे मत खड़े हो। बच्चों ने मांग करी थी रोड जाम करने के लिए, उनने रोड जाम करने के लिए मना कर दिया। बच्चे ने बोले गेट के ताड़ा लगा के अंदर नहीं घुसने देंगे, जो आज पेपर है ना वो ऑनलाइन करवाओ, ये हमारी मांग थी। तो उनने इस मांग को इनकार करने के लिए आधे बच्चे कॉलेज के अंदर भेज दिया, आधे बाहर रख दिए। जो बाहर थे ना उनमें से चार पांच बच्चे उठा लिए। ठीक है, तो आप लोग कौन से ईयर के स्टूडेंट्स हैं? सभी फर्स्ट ईयर के आप स्टूडेंट हैं, आपके एग्जाम चल रहे हैं कॉलेज में और आप लोग बाहर स्ट्राइक कर रहे थे, तो आपको डर नहीं है कि फेल कर देंगे कॉलेज वाले? फेल तो वैसे भी होना था। अच्छा, कुछ आता तो है नहीं, पढ़ाई हो ही नहीं है कुछ भी। अच्छा, आप कौन से ईयर के हैं? मैम सेकंड ईयर इलेक्ट्रिकल। तो आपके भी एग्जाम चल रहे होंगे? एग्जाम मैम प्रैक्टिकल हुए 17 से एग्जाम्स। ठीक है, तो इतना मैम अर्ली तो हो ही गया, अभी कॉलेज इतनी जल्दी खुले, इतने प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं मैम इतनी जल्दी? तो मेन तो मैम ये प्रिपरेशन नहीं हुए, टाइम चाहिए मैम। और तो क्या आप लोगों ने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश की थी? मैम सर से करी थी, सर बोले आगे पंचकुला से ऑर्डर है कि ऑफलाइन ही होंगे, ऑनलाइन का कोई मोड नहीं थी। दो तीन बार हमने लिखित में भी दे दिया, फिर भी वो नहीं मान रहे। फ्राइडे को मतलब पंचकुला वालों से फ़ोन पे बात करवा के मतलब गोली दे दी, मतलब तुमको शनिवार को है ना पंचकुला भेज देंगे कॉलेज की गाड़ी लेके। और उनने शनिवार को भी मतलब सैटरडे को कोई गाड़ी नहीं भेजी पंचकुला, ना कोई बच्चे भेजे। मेन मोटिव तो ये था ना कि मैम आउटसाइडर्स भी थे पर मैम पास आउट थे कॉलेज के, वो तो कॉलेज में आ सकते हैं मैम प्रोटेस्ट के लिए, वो तो वैलिड रीजन है। किसी पार्टी के पॉलिटिशियंस भी वहाँ पर मौजूद थे? पॉलिटिशियंस तो मैम कोई भी नहीं था, कोई पॉलिटिशियन या फिर स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से ही कुछ पॉलिटिक्स। मैम एक लड़का था, कहा नाम है यही पीछे मिल गेट का है, NSUI पार्टी थी उसकी, वही था। उसने मेन तो मुद्दा उठाने का उसी का था। हाँ। उसी ने कही थी ऑफलाइन ऑनलाइन मोड के लिए, उसके साथ सारे बच्चे ने एग्री किया था कि हाँ हमें भी ऑनलाइन मोड चाहिए या फिर टाइम चाहिए कुछ प्रिपरेशन के लिए। यानी कि नेतृत्व आपका वही कर रहे थे। अच्छा, ये बताइए अब आगे आप लोगों का क्या रहने वाला है, क्या कुछ प्लानिंग जो है आप लोग कर रहे हैं? प्लानिंग तो अब तक मैम कुछ नहीं, अब तो यही है प्रोटेस्ट करेंगे। कौन से ईयर के हैं आप? थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के? थर्ड ईयर के अभी एग्जाम शुरू नहीं हुए हैं। 17 से मैम। 17 से है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इतने सारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। हालांकि बार बार कहा जा रहा है कि आप लोगों के एग्जाम जो है ऑफलाइन कराए जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स तर्क दे रहे हैं जब क्लासेस ऑनलाइन लगी थी, फीस जो है ऑनलाइन वसूली गई, तो पेपर क्यों नहीं ऑनलाइन कराए जा रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी तो की गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जिन स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया था, 4 स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया था, उन स्टूडेंट्स को अब छोड़ दिया गया है। हालांकि हिसार के ही सिटी थाने के अंदर उनको ले जाया गया था और लगातार स्टूडेंट्स जो है रोड जाम करने की मांगे कर रहे थे, चेतावनी दे रहे थे, जिसकी वजह से हो सकता है कि पुलिस प्रशासन ने उन 4 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया हो। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि ये स्टूडेंट्स जो है अंदर एग्जाम चल रहे थे, बाहर ये स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे थे, तो अब इनके भविष्य के साथ क्या होगा? क्योंकि कुछ बच्चे जो बाहर प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने एग्जाम्स तक नहीं दिए हैं, क्या अब उनके एग्जाम्स ऑनलाइन लिए जाएंगे या फिर ऑफलाइन जिन्होंने एग्जाम नहीं दिए उनको फेल कर दिया जाएगा? खैर, अब ये तो बड़ा सवाल आकर के खड़ा हो गया है कि हमारे देश का भविष्य कहाँ जा रहा है, क्या हमारा जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी हरियाणा सरकार है, क्या इन स्टूडेंट्स का भविष्य बचाते हुए ऑनलाइन कक्षाओं का भी जो आयोजन किया गया था उसके साथ साथ ऑनलाइन पेपर्स का भी अब दोबारा से आयोजन किया जाएगा? खैर, ये तो अब देखने वाली बात है। जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार। एक पुलिस वालों की जिप्सी आती है, वैन आती है, उसके अंदर से दो तीन बच्चे उठा लिए जाते हैं, ताड़ा लगा के अंदर नहीं घुसने देंगे, जो आज पेपर है ना वो ऑनलाइन करवाओ, ये हमारी मांग। मुझे ये बताइए कि अभी अभी सूचना मिल रही है कि यहाँ से कुछ बच्चों की गिरफ्तारी भी हुई है, कितनी सच्चाई है?